थैंक यू। सॉरी 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 भाई साहब, पूरे 25 मिनट लेट हैं आप। मैडम, आपको शुक्र मनाना चाहिए कि मैं आ गया। क्यों, क्या हुआ, कोई समस्या? समस्या सिर्फ एक ही नहीं है, समस्या मेरे पास तीन हैं। पहले मेरे पापा, दूसरी मेरी बहन और तीसरे जो हैं वो है मेरे मामा। इनके हाथ से बच के डेट पे आने का कोई रास्ता नहीं। भगवान, ऐसा लगता है जैसे मैं अभी अभी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया हूँ। अच्छा, हंसी आ रही है। राजकुमारी को देखने के लिए राजकुमार को क्या क्या करना पड़ा तुम्हें पता है? वो तो मुझे पता है, इतना तो उसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो राजकुमारी के लिए राजकुमार का प्यार कैसे बढ़ेगा भैया। ठीक है ठीक है, अब चलो। कहाँ जाना है? मेरे घर। माँ पिताजी तुम्हें देखना चाहते हैं। मम्मी पापा, नो वे, इस तरह से नहीं प्लीज। ओ मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड रिपोर्टर है, कोई ब्यूटीशियन नहीं, तो जैसी हो वैसी अच्छी लग रही हो। अब चलो 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 भी, गुड गर्ल। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह मेरे भोले भाले लड़के को बेवकूफ बनाकर मेरे घर में घुस जाओगी? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं इतनी आसानी से तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा, मेरे जिंदा होते ये सब मैं नहीं होने दूंगा, बिल्कुल। अरे भांजे, तुम कब आए? अंदर आओ, बैठो। उनकी बातें सुन रहे हो? अंदर आएंगे तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अरे बेवकूफ, जीजा जी ऊपर नाटक के डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत तुम किसी बात का बुरा मत मानना, फिल्मों में तो आज तक उन्हें चांस मिला नहीं है, इसीलिए वो घर में ही एक्टिंग कर लेते हैं। अरे भाभी, माँ पापा जल्दी आइए, देखिए भैया भाभी को लेकर आए हैं। राणा, बस बस हो गया हो गया। बैठो बैठो बैठो। आओ बेटी आओ। भांजे, बहुत खूबसूरत लड़की को बहू बना के लाया है। क्यों बहना, बहू एक नंबर है कि नहीं? ऐसी सुंदर और प्यारी लड़की को कैसे भला पसंद ना करूं मैं। बेटी, तुम्हारे घर पर और कौन कौन है? हाँ बताओ बेटी। मेरी मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई। मेरी क्या इच्छा होती है पता है? तुम्हारी और राणा की शादी करके तुमको जल्दी से जल्दी अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। कब तक तुम्हारी सास के हाथ का खाना खाऊंगा? अब तो बिल्कुल गले से नहीं उतरता है, बिल्कुल स्वाद ही नहीं आता, डिस्गस्टिंग। अरे मेरी बहुरानी आपको बनाकर क्यों खिलाएगी? वो तो खिलाएगी मेरे बेटे राणा को। जीजा जी, क्या आप जिंदगी भर नाटक ही करते रहेंगे? नई बहू आई है, जाकर मिठाई लेकर आइए और हमारा मुंह मीठा कराइए। मिठाई? मिठाई कहाँ पर है? अरे मिठाई लेके आओ। मिठाइयाँ लेकर आओ। मिठाई, देखो आ गई। भाभी को मिठाई मैं खिलाऊंगी। क्यों, भाभी को ही खिलाएगी, मुझे नहीं खिलाएगी? तुम्हें तो भाभी खिलाएंगी। Excuse me? फिर से तुम्हारा मोबाइल बहुत डिस्टर्ब करता है, प्लीज अभी मत उठाओ ना। इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं उठाएगी, सब तेरी तरह फालतू घूम रहे हैं क्या? एक रिपोर्टर को हर समय ऑन ड्यूटी ही रहना पड़ता है, हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। सुन ले बेटी, सुन ले। गेट यूज्ड टू दिस, तुम्हारा पाला एक क्राइम रिपोर्टर से पड़ा है। जी मैडम। कोई प्रॉब्लम है रितु? राणा, मुझे इसी वक्त ऑफिस जाना होगा। क्यों, ऑफिस क्यों? ये तो नहीं पता, लेकिन मैसेज देख के लग रहा है कि कुछ सीरियस बात है। आई हैव टू गो।